गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया प्लांट्स लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं डेंथस प्लांट पर। डेंथस प्लांट को इन गर्मियों में हम कैसे सेव करें, इन्हें किस तरह का फर्टिलाइज़र दें, इन्हें कितना पानी दें, इन्हें किस जगह पर रखें कि ये पौधे हमारे इस सीज़न में भी सेफ रहें, क्योंकि आज जून की 14 तारीख है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इस तरह में विंटर के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी केयर करनी पड़ती है और उन्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत छोटे छोटे दो टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जिसे फॉलो करके आप अपने डेंथस प्लांट को इन गर्मियों में सेव कर सकते हैं, उनसे फ्लावरिंग पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जून की 14 तारीख है और आप देखिए मेरे डेंथस प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है और उनमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक इसकी केयर के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होती है तो ये प्लांट जो होता है थोड़ा सा डाई होने लगता है, लेकिन अगर हमने उस सीज़न में भी इसकी केयर कर ली और इसे बचा लिया तो ये विंटर में हमारे अच्छी फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि तो छोटा सा बिल्कुल टिप है, बहुत ज़्यादा इनकी कोई भी देखभाल नहीं करनी है इस टाइम पे। सिर्फ हमें इतना सा ध्यान रखना है कि जो ये फ्लावर्स सूख रहे हैं इन्हें हमें इस तरह से हटा देना है, बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि इसमें इनके सीड्स बन रहे होते हैं। इस तरह से अगर आपको कलेक्ट करने हैं तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इन्हें हटा दीजिए, जिससे कि यहाँ पर से नई पत्तियाँ निकल आएँ। देखिए, मैं जितना हटाती हूँ और उसको उतना ही ये यहाँ से ये नई पत्तियाँ ये देखिए निकल रही हैं, नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है अभी इस टाइम पे। तो वैसे भी डेड हेडिंग हमेशा डेंथस में अच्छी रहती है और फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, तो इस टाइम पे भी इसे हल्का हल्का सा इस तरीके से आप पिंच करते रहिए। दूसरा टिप है कि दोस्तों, इस टाइम पर हमें अपने पौधे को जो है पानी इतना ही देना है जिससे कि ये मिट्टी जो है बिल्कुल नम रहे। मिट्टी इसकी एकदम नम रहनी चाहिए इस तरह से, ये देखिए पानी एकदम कम है लेकिन मिट्टी ये देखिए मिट्टी नम है इसकी। और इसमें मैं 15-15 दिन पर जो है ये हमारी ऑर्गेनिक खाद है, ये इस खाद में मैंने राइस हुल्स मिलाया हुआ है और ये गोबर की खाद है, इस तरह से मैंने बना के रख ली है और इसी खाद को मैं 15-15 दिन पर अपने पौधों में इस तरह से डाल रही हूँ इन डेंथस प्लांट में। और भी पौधों में आप डाल सकते हैं इस तरह से, इनमें हमें खाद दे देनी है क्योंकि मैं देती रही हूँ, तो इसी वजह से हमारे ये जो पौधे हैं वो अच्छे से ये चल रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि केवल ये डेंथस के प्लांट ही मेरे गार्डन में अभी जो है विंटर के, मेरे पास कुछ और पौधे हैं जो बचे हुए हैं, मैं वो भी आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये विंटर के ये प्लांट्स हैं, ये गुलदावदी है, ये देखिए थोड़ी कलियां आ रही हैं लेकिन कलियां पूरी तरीके से नहीं आ रही हैं, लेकिन कुछ फूल खिले हुए थे। गुलदावदी के सारे पौधे हैं मेरे पास, जितने भी पौधे मैंने लगाए थे वो सारे पौधे ये देखिए चल रहे हैं और इनमें भी कलियां आ रही हैं। तो ये समझ लीजिए ये प्लांट ग्रीन है और जैसे ही बारिश शुरू होगी मैं इन सभी पौधों की नीचे से कटिंग कर दूंगी। दोस्तों देखिए, ये गजानिया का एक पौधा है जो मैंने यहाँ पे बचा के रखा हुआ है, इसमें 2-3 पौधे थे मैंने एक साथ कर दिए थे, ये बचे हुए हैं। और ये देखिए, ये साल्विया है, इनमें भी नई पत्तियाँ आ रही हैं इस तरह। ये मेरा डॉग फ्लावर का प्लांट है, मैंने इसे धूप से बिल्कुल बचाकर छांव में रख दिया है, ग्रोथ अच्छी चल रही है, पत्तियाँ नई आ रही हैं और ये 2-3 शेड के हैं, सभी अच्छे चल रहे हैं। ये छोटी वाली गुलदावदी है, ये मेरे पास कम से कम इसमें 6 कलर की गुलदावदी लगी हुई है और ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी है, साइड से भी ये देखिए पूरी ग्रोथ कर रही है। तो मैं इसे बिल्कुल नहीं हटाऊंगी क्योंकि ये ग्रीन है, ग्रीनरी भी गार्डन में बहुत अच्छी लगती है और ये जब सीज़न आएगा तो ये बहुत ही अच्छे से 6 कलर्स की फ्लावरिंग करेगी। तो दोस्तों, बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं जिनसे आप अपने पौधों को सेव कर सकते हैं। सूखी हुई जितनी भी ब्रांचेस हैं उन्हें इस तरह से कट कर दीजिए, मिट्टी को नम रखिए, खाद आपको गोबर की खाद देनी है, कोई भी आपको केमिकल फर्टिलाइज़र इस टाइम पर पौधे में नहीं डालना है, हल्की खाद देनी है और कटिंग आप करते रहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि इन्हें छांव में, छांव का मतलब ये नहीं कि आप इन्हें बिल्कुल छांव में रख दें, ऐसी जगह पर रखें हल्की सी सनलाइट इन पर पड़ती रहे तो आपके पौधे ज़रूर मैं बताती हूँ कि सेफ रहेंगे। क्योंकि ये जून की 14 तारीख में जब देखिए इतने अच्छे से बढ़िया से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं सारे के सारे, ये देखिए, तो आगे भी ये इसी तरीके से फ्लावरिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, बाय फ्रेंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।